तो क्या आप भी अपने वीडियोस में स्लो या फास्ट मोशन इफेक्ट्स लगाना चाहते हैं? तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। वीडियो शुरू करते हैं इस छोटे से इंट्रो के बाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑलमोस्ट टेक्निकल में। तो आज हम देखने वाले हैं कैसे आप अपने वीडियोस में स्लो या फास्ट मोशन इफेक्ट लगाएं, या फिर आप दोनों भी इफेक्ट एक साथ एक ही वीडियोस में भी लगा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ऐप डाउनलोड करना है जिसका नाम है इफेक्टम। इसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। पहले हम प्ले स्टोर पर चेक कर लेते हैं। तो आप जैसे ही आप यहाँ पर सर्च करेंगे इफेक्टम, तो आपको ये फर्स्ट नंबर पर ऐप मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर ले। आप अगर हम इसकी रेटिंग्स चेक करें तो रेटिंग्स आप देख सकते हैं 4.1 की रेटिंग है और 5 मिलियन प्लस डाउनलोड्स हो चुके हैं इस ऐप के। तो चलिए बिना देर किए इस ऐप को ओपन करते हैं। जैसे ही आप इस ऐप को ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे फास्ट, स्लो, स्टॉप, रिवर्स या फिर स्लो प्लस फास्ट। तो एक एक करके हम चेक करते हैं ये ऑप्शंस को। तो फास्ट मोशन के लिए अगर आप कोई भी एक वीडियो को सिलेक्ट करें, उसके बाद आप वीडियोज़ को यहाँ प्रीव्यू कर सकते हैं, उसके बाद डायरेक्ट आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक फास्ट का एक कर्सर मिलेगा कि आपको अपनी वीडियोस को कितना ज़्यादा फास्ट करना है। तो आप इसकी हेल्प से यहाँ पे आप अपनी वीडियोस को फास्ट ज़्यादा या कम फास्ट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे प्रीव्यू भी दिखेगा, जैसे आप देखिए वीडियोस कितनी ज़्यादा फास्ट हो चुकी है। तो अगर आपको वीडियो सही लग रही है तो यहाँ पे आप नेक्स्ट पे क्लिक करके आप अपनी वीडियोस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो मैं तो यहाँ पे अभी एग्जीक्यूट नहीं करूँगा। उसके बाद आप नेक्स्ट ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पे स्लो मोशन का ऑप्शन आ रहा है। तो ये भी सेम फास्ट की जैसे ही वर्क करता है, जैसे स्लो। उसके बाद आपको स्टॉप जो है वो आपको फोटोज़ के लिए मदद करेगा, रिवर्स तो आप लोगों को पता है सेम। मैं आपको स्लो प्लस फास्ट वाला इफेक्ट थोड़ा सा समझा देता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा क्रिटिकल। तो उसके लिए आप कोई भी एक वीडियो सेलेक्ट करें, वीडियोज़ में जाने के बाद आप प्ले करके देख सकते हैं, ये वीडियो कुछ इस तरीके का है। ओके, तो वीडियो जब आप देख ले कि ठीक है, और यहाँ पे आप वीडियोस को ट्रिम भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए नीचे ऑप्शन जो है पिंक वाले हैं, अगर आप इनके ऊपर क्लिक करके आप इन्हें ट्रिम भी कर सकते हैं। जब वीडियो ट्रिम हो जाए तो यहाँ पे आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। नेक्स्ट पे क्लिक होने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब आप स्लो या फास्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऐसे तीन ऑप्शंस दिखेंगे, स्लो, फास्ट या फिर इरेज का। तो आपको जहाँ से भी वीडियो स्लो चाहिए वहाँ पे आप क्लिक करें और स्लो को प्रेस कर करके, तो आप देखिए ब्लू लाइन यहाँ पे फिल हो रही है, तो मतलब वीडियोज़ जो है यहाँ तक स्लो होगी। उसके बाद आपको अगर फास्ट चाहिए तो आप फास्ट पे क्लिक करके प्रेस करके रखें तो वीडियोज़ वहाँ से फास्ट हो जाएगी। अगर आपको फिर से स्लो चाहिए तो फिर से आप स्लो पे क्लिक करें तो वीडियो फिर से स्लो हो जाएगी। और आपके जब वीडियो डन हो जाए तो आप यहाँ पे प्रीव्यू करके भी देख सकते हैं कि आपकी वीडियो किस तरीके से दिख रही है। तो चलिए वीडियो को फिर से एक बार स्टार्ट से प्रीव्यू कर लेते हैं। अगर हम वीडियो को फिर से स्टार्ट करें यहाँ से, तो देखिए आप वीडियोज़ जो है स्लो में, शुरू में स्लो हो चुकी है। उसके बाद देखिए जब ये रेड पे आएगा तो आपको वीडियो थोड़ी सी फास्ट दिखेगी। देखिए वीडियो फास्ट हो चुकी है। उसके बाद फिर से स्लो, तो इस तरह से आप अपने वीडियोस में इफेक्ट लगा सकते हैं, फास्ट स्लो दोनों एक ही साथ एक ही वीडियो में। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे डन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे थोड़ा अगर आपका नेट ऑन है तो यहाँ पे एड्स भी आएंगे। तो प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि आप वीडियोस में बैकग्राउंड म्यूज़िक चेंज कर सकते हैं, या फिर आप कुछ स्पेशल इफेक्ट्स भी ऐड कर सकते हैं। आप इनको अप्लाई करके चेक करें अपने वीडियोस में कि ये किस तरह का इफेक्ट देते हैं। जब आपका वीडियो डन हो जाए तो आप यहाँ पर डन पर क्लिक कर दें, और उसके बाद आप यहाँ पर सेव टू गैलरी पर क्लिक कर दें तो आपका वीडियोज़ जो है सेव हो जाएगा। आप भी इन इफेक्ट्स को अपने वीडियोज़ में ट्राई करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको इफेक्ट्स कैसे लगे। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं, हमारी इंस्टाग्राम आईडी है almost.technical। ओके ओपन, ओके हमारी इंस्टाग्राम आईडी है almost.technical। आप हमें टैग भी कर सकते हैं अपने पोस्ट में, हम आपके पोस्ट को ज़रूर देखेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।